जैसा कि आप सबको पता है कि साइंटिस्ट आजकल पैरेलल यूनिवर्स या फिर दूसरी दुनिया के बारे में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, क्या इसका रास्ता हो सकता है ब्लैक होल? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ब्लैक होल में गिरने के बाद क्या आपके पास कोई चांस है बचने का? आप ब्लैक होल से किस तरह से बाहर आएंगे? क्या ये शॉर्टकट है किसी दूसरे यूनिवर्स के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्लैक होल ये कोई काले कलर का खड्डा नहीं है। ब्लैक होल का मीनिंग ये होता है कि एक छोटी सी जगह में बहुत सारी डेंसिटी, बहुत सारा घनत्व इकट्ठा हुआ है। अगर आप एक सन पर जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी हमारी अर्थ से 27 गुना ज़्यादा होती है। मतलब आपका यहाँ पे अगर 1 किलो वजन है तो वहाँ 27 किलो वजन हो जाएगा। तो आप अब सोच लीजिए कि 4 सन को 15 माइल के अंतर में यानी 24 किलोमीटर के अंदर अंदर लगाना है, तो सोच लीजिए उस एरिया की जो ग्रेविटी होगी वो कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी ग्रेविटी होगी जो हमें अपनी तरफ पुल कर लेगी। अब बात ये आती है कि हम ब्लैक होल को ढूंढते कैसे हैं। तो स्टीफन हॉकिंग जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल एक रेडिएशन छोड़ते हैं जिसका नाम भी बाद में हॉकिंग रेडिएशन दिया गया था। और स्टीफन हॉकिंग ने यह भी बताया था कि ब्लैक होल से शायद ब्लैक होल एक रास्ता हो सकता है पैरेलल यानी दूसरे यूनिवर्स में जाने का, लेकिन फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे उस जगह से और हमें यह पता नहीं होगा कि वहाँ पर एक ब्लैक होल था पहले से। अब बात करते हैं ब्लैक होल के सबसे डेंजरस पार्ट की, जिसका नाम है इवेंट होराइज़न। ये आपने पहले कभी सुना होगा लेकिन आपको मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि इवेंट होराइज़न वो पार्ट है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ से इंसान कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसका नाम ये भी दिया गया है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब यहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, यहाँ गया मतलब अंदर ही जाएगा। अब लास्ट में चलो हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो छोटे ब्लैक होल यूज़ करने हैं या फिर बड़े ब्लैक होल। तो अगर हम छोटे ब्लैक होल का यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है कि पहले सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा होगी छोटे ब्लैक होल की, वो हमारे पाँव पर लगेगी और हमारा पाँव पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन हमारा सिर नहीं होगा, जिससे हमारा पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। और अगर हम बड़े ब्लैक होल यानी कि जहाँ पे मिलियंस ऑफ सन आ सके, इतने बड़े ब्लैक होल की बात करें, तो वहाँ पे हमारी बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी क्योंकि हमारे पाँव पर और सिर पर सेम ग्रेविटी लगेगी, जिससे हम पूरी तरह अंदर जा पाएंगे और हम स्ट्रेच नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बड़े ब्लैक होल यूज़ करने चाहिए। अब आपको मन हो रहा है अगर ब्लैक होल से सफ़र करने का, तो ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ ₹250 ट्रिलियन किलोमीटर दूर ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिससे आप सफ़र कर सकते हैं।